सेटअप है, किसके लिए? मैं फर्स्ट टाइम मराठी मूवी में आइटम सॉन्ग कर रही हूँ और मूवी का नाम है हीरो, और जो मेरे गाने के जो बोल है वो काफ़ी कैची है, बहुत ही अच्छा यू नो आइटम सॉन्ग है। और जो हमारी कोरियोग्राफर है फुलवा कामकर, उन्होंने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है, और जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर सिद्दीकी। तो फर्स्ट टाइम मैं मराठी मूवी में यू नो व्हाट यू से कदम रख रही हूँ। अलग है, सिर्फ अलग ये है कि ऑब्वियसली मराठी मेरी मदर टंग है तो मैं लैंग्वेज से फेमिलियर हूँ। सो मराठी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड भी सेम है और मराठी फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा कर रही है। तो इसमें सिर्फ ऑडियंस आइटम सॉन्ग में ही सोनाली को देखेगी कि कैमियो रोल भी कुछ है? जी नहीं, मैं सिर्फ आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। जी हाँ, मुझे रोल भी ऑफर हुआ था लेकिन डेट्स की वजह से मैं कर नहीं पाई। सो आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। आई थिंक आइटम सॉन्ग व्हाट एल्स, एकदम यू नो तड़का वाला मिल रहा है। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम सून मराठी फिल्म, बट पूरी करूँगी। और कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहेंगी? जी मेरी जो अपकमिंग है वो है पैरानॉर्मल, वो अनिल शर्मा के साथ अभी मैंने शूट की है। फिर उनके भाई के साथ ही मैंने एक वेब सीरीज़ भी कंप्लीट किया है, लव लाइफ स्क्रू अप, वो जैन में रिलीज़ हो रही है। और एक और बड़ी फिल्म मैंने साइन की है तो वो फेब से होपफुली आई थिंक फेब ही है टेंटेटिव डेट्स, तभी आई थिंक शुरू होगी। तो आपके करियर के पहले हीरो थे हिमेश रेशमिया, अब कोई ऐसी लिस्ट है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी एक्टर्स? मेरे फिल्म के हीरो आई थिंक हिमेश रेशमिया नहीं थे एक्चुअली, वो फिल्म में मैं सेंट्रल कैरेक्टर थी। मेरे बहुत सारे को स्टार्स थे, यू नो हिमेश रेशमिया वॉज देयर, फिर हनी सिंह भी थे, फिर मैंने बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग किया था ग्रेट ग्रैंड मस्ती में, जहाँ पे मुझे 3 बॉयज़ मिले थे, विवेक ओब्रॉय, रितेश देशमुख का नाम था, और अभी और उसके बाद भी बहुत सारे। आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क विथ एवरी वन क्योंकि सभी लोग टैलेंटेड हैं, नथिंग पर्टिकुलर। सो एनी टीवी स्मॉल स्क्रीन कोई प्रोजेक्ट बिग बॉस के बाद ऑडियंस ने आपको टीवी पे देखा नहीं? जी आई थिंक टीवी के लिए मैं सोच आई थिंक आई हैव टाइम फॉर टीवी, जब मैं डिसाइड करूँगी आपको पता चल जाएगा टीवी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।